जबलपुर स्टेट हाईवे पर नोहटा के समीप पुल के पास एक चार्टर्ड बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए रेलिंग तोड़ते हुए बाल बाल बच गई, जिसमें सवार यात्रियों में अचानक हड़कंप के माहौल भी निर्मित हो गए। जानकारी के मुताबिक इंदौर से जबलपुर जा रही चार्टर्ड कंपनी की बस का अचानक अनियंत्रित हो जाने के कारण डिवाइडर की रेलिंग तोड़ते हुए गौची की पुलिया की रेलिंग के ऊपर वह बस जाकर चढ़ गई, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहीं यात्रियों में भय का माहौल बन गया। सुबह सवेरे हुई घटना के बाद यह हादसा सामने आया है। एक ट्रक चालक द्वारा अचानक ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ है। यह बड़ा हादसा यात्रियों में भय का माहौल पैदा कर रहा है। वहीं इस हादसे के बाद स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची है। वहीं मामले में जाँच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ एशियन न्यूज़ के लिए अजय दुबे की रिपोर्ट। क्या हुआ है? कुछ नहीं था, सामने से ट्रक वाला आया, पूरा उसने मेरे को दबा दिया। बीच सेंटर में था, बारिश का समय था, और जैसे ब्रेक टच करा तो स्लिप खाई गाड़ी, और ट्रक वाले ने मेरी छाती पे चढ़ाया। तो मैं गाड़ी तो बचाऊंगा, पहले गाड़ी बचाई जितनी बचना थी। बस ये है कि मुकद्दर अच्छे थे इसलिए इतनी टिक गई। कितने समय की घटना है ये? 6:15 लगभग। कितने यात्री रहे होंगे गाड़ी में? गाड़ी में 10-12 सवारी। कहाँ से कहाँ जा रही थी? इंदौर भोपाल। ओ, इंदौर जबलपुर। अभी आप कहाँ से आ रहे थे? अभी इंदौर से आ रहे थे। जबलपुर जाती है? जी, जबलपुर जा रहे हैं। कौन सी कंपनी की गाड़ी है? चार्टर्ड बस। क्या नाम है आपका? महेश व्यास।